वेद शास्त्र के बाद बताते हैं, ज्ञान के बाद बताते हैं। चौथा प्रणाम जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, समस्त ग्रामवासी और दानदाता मल्ला जैन मनहा अपन खून पसीना के धन एकत्रित करके इतना बड़े महानस यज्ञ की रचना करी, मानस प्रेमी समाज सबल सत्संग से जोड़े के प्रयास करी। काबर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते ना कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुल नता ही सकल मिलो जो सुख लो सत्संग, जो सुख लो सत्संग। कहे जाते कि हम एक तराजू लाना और तराजू के एक पल्ला में घर के सुख, संसार के सुख, यहाँ तक के स्वर्ग के सुख लभी रखन और एक पल्ला में क्षण मात्र के सत्संग रखन ना, तो क्षण मात्र के सत्संग लबारी बता है। और आज, आज, आज आपके गांव तो सुंदर गंगा बुहात है बेबी, और मानस प्रेमी संत समाज हमने तो थोड़ा ही समय इस सत्संग में मिले हैं, लेकिन आप सब तो तीन दिन तक वो गंगा में स्नान कर हो और आप सब जानते हो एक गंगल भागीरथी लानी, लेकिन भागीरथी गंगा लानी ना वो हर जगह सुलभ नहीं हो। काबर वो गंगा में जाए पर हमने समय निकालने पड़ी, रुपया पैसा खर्च करे पड़ी, तब जाके वो गंगा में स्नान करबो। लेकिन ये मानस गंगा हरे और दाई हो, ये मानस गंगा ला कौन प्रगट करे हो, कौन कौन जानते हो ये कौन प्रगट करीस? ये मानस गंगा ला माता पार्वती प्रगट करीस। काबर जैसे भोलेनाथ और माता पार्वती की विवाह हो के आते ना, तो प्रथम दिन जैसे आज भी विवाह होते तो एक पत्नी अपन पति से कुछ न कुछ मांग करते, उसने माता पार्वती भी भगवान भोलेनाथ से मांग करी कि इसकी हे प्रभु तोर जो जटा में गंगा है वो हर कोई सुलभ नहीं होए, तो मैं भी ऐसे गंगा प्रकट कर हर कोई सुलभ होगी। जब इतना सुंदर बात कही तो वहाँ भोलेनाथ भी गिर कि धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तो सब नहीं कोई उपकारी। काबर आज अपन के लिए तो सब सोचते लेकिन दूसरा के लिए नहीं सोचे। लेकिन आज तक बहुत सुंदर प्रश्न करे जैन मानस गंगा बहाना चाहिए ओकरे प्रश्न करे, तभी तो भगवान भोलेनाथ भी कथे कि पूछे मोहि कथा प्रसंग सकल लोग दायक पावनी गंगा। हे देवी आज जिन गंगा प्रकट करबो वो एक लोक नहीं तीनों लोक में के जय जयकार होगी। वास्तव में मानस मिशन समाज कथे ना कि वो गंगा की गहराई में चले जाबे और तैरे ला नहीं आए ना ओकर मरना निश्चित है। अरे मानस गंगा ऐसे गंगा है जेकर गहराई में चले जाबे तो तरना निश्चित है। कहे जाते ओ गंगा में अगर पाप करे की प्रवृत्ति धुलते लेकिन पाप नहीं धुले, अरे मानस गंगा ऐसे हरे जैन में पाप संताप सब दूर हो जाते। और आज जो ही गंगा में स्नान कर बो, आज जो बहुत सुंदर प्यारा प्रसंग अयोध्या कांड में चर्चा करेल के हे बे, और अयोध्या कांड ला भगवान की युवा कांड बता है। और मानस प्रेमी संत समाज आज युवा वर्ग ही तो भटके हुए है और समाज के निर्माण में युवा वर्ग ले आगे आल पड़ी, तभी तो अयोध्या कांड के बारे में कहे ना कि सात स्तन का किसी के काम आ जाए, कि सात स्तन का किसी के काम आ जाए, अयोध्या की नगरी में चल के राम आ जाए। ये जग अंबार है कांटों का, ये जग अंबार है कांटों का, कहीं कहीं फूल खिलते हैं और जो चुभन को झेलते हैं उन्हें ही मेरे श्री राम मिलते हैं, उन्हें ही मेरे श्री राम मिलते हैं। मानस प्रेमी संत समाज आज अयोध्या कांड जैन में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्रोठा में लिखे दोहा क्रमांक 100 में, सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे इसे करुणा ऐन सीतई जान की लखन तने। बोल सेवा रामचंद्र की जय। आज जैन कथा प्रसंग बताए जाता है ओ में परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण और जगत जननी माता सीता ये तीनों वनवास के लिए निकले हैं बेबी, और मानस प्रेमी संत समाज आज तीनों एक साथ वनवास के लिए निकले हैं। और तीनों कौन हरे? सुजन सिय प्रभु राजत परन कुटीर ज्ञान भक्ति वैराग्य सहित संवत धरे धरी शरीर। राम जी ज्ञान हरे, माता सीता भक्ति हरे और लक्ष्मण भैया वैराग्य, ये तीनों अयोध्या से निकल पड़े हैं बेबे। और आज दुख के घड़ी काबर आज राम जी वनवास हो बे, और आज राम जी है वो अयोध्या नगरी ला छोड़ के चलत है जी हाँ, उनका माता पिता है बे, पूरा अयोध्या नगरी की प्रजा ला छोड़ के चलत है बे। और अयोध्या से निकलिस ना तो राम जी है वो रोते रोते निकले है बे, लेकिन आज केवट
जेकर जेला निसात भी गस है, जेकर जीवन में कोई साथ नहीं है, ओला निसात आ गई भी। और ऐसी का कह दी, देकर से परमात्मा ला हंसी आ गया, मानस प्रेमी संसमाज। खबर कोई रोते हुए व्यक्ति ला हंसा देना है बहुत बड़ी बात करे, कथे ना कि प्यार अपनों से तो हर कोई निभा लेता है। अजी प्यार अपनों से तो कोई निभा लेता है, प्यार गैरों से निभाए तो बात बने। कोई 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 प्यार अगैरों से निभाए तो बात बने। यहाँ कहे जाते कि अपन से तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन गैर से प्यार कर भी ना वो बहुत बड़े बात है। आज केवल भैया का इस शब्द की ही जिक्र से भगवान हंसी। तो मानस प्रेमी सन समाज एक केवट कौन हरे खबर, जेन जेकर पास में परमात्मा लग जाने की क्षमता रही ना, वही भगवान ला हंसा सकते। भगवान तो स्वयं कहे ना कि सोई जानु जेहु देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, भगत 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 उर्चंदन। तो एक केवट जी महाराज है, वो एक एक उम्र में कछुआ के अवतार रही से भी। तो मानस प्रेमी सन समाज जब कछुआ के अवतार में रही ना, तो लक्ष्मण भैया से रही से भी। और जगत जननी माता सीता है, वो लक्ष्मी के रूप में रही से भी। और जब एक कछुआ है वो परमात्मा के जब चरण छुएल जाए ना, तो लक्ष्मी मैया कहा है कि चरण दबात हो, सिर के तरफ चले जा। और जब सिर के तरफ जाए तो शेष नाग है वो पैर के तरफ भेजे। ऐसे चक्कर लगाते लगाते कच्छप अवतार में तो भगवान के चरण नहीं मिले। और दूसरा जन्म लिस एक ब्राह्मण के घर में, तो ब्राह्मण के घर में जब जन्म लिस ना, तो अनजान से एक चिड़िया है, उकर हाथ से चिड़िया की मृत्यु हो जाती है। तो चिड़िया की जब मृत्यु होती है, तो अपन पिताजी की से पूछते कि मोर आज अनजान से एक चिड़िया की मृत्यु हो गई, तो मैं ऐसे का करूं जेकर से एक पाप से मुक्त हो जाऊंगी। तो उकर पिताजी कहते कि बेटा राम के नाम ले ले और तुलसी चौरा में एक परिक्रमा कर, मात्र एक परिक्रमा के हिसाबे। लेकिन यहाँ ये लड़का सोचते हो बच्चा कि एक नहीं तीन बार घूम लेते कहीं से भी, तो यहाँ भगवान के नाम में विश्वास नहीं हुई। वही समय उकर पिताजी कहते कि मैं एक बार बोले लेकिन तीन बार घूमे, तो जा तो तीसरा जन्म में राम मिले कहीं से भी। और आज वही राम हरे जेल केवट भैया जाना थे भी। काबर जाना थे भी, काबर जब निषाद राज और लक्ष्मण की चर्चा हो रही थी यहाँ, तो ये केवट भैया उकर साथ मेरे से भी। मानस प्रेमी सन समाज दूसरा केवट मन तो अपन नौका ला सजात रही से भी, लेकिन एक केवट है वो भगवान की कथा ला सुनत रही से भी। और जेन भगवान की कथा ला सुनते ना, ओकर व्यथा मिट जथे। काबर भगवान की कथा सुने बर भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं है। काबर रामचरित मानस में ना कथा ला दो व्यक्ति ही सुने है बे, यही कथा ला भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला बता है बे, और यही कथा ला याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि ला बताई से, और यही कथा ला गरुड़ जी महाराज ला काकभूषण जी महाराज बताई से बे, और यही कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सब संत समाज के लिए लिखी से बे। और मानस प्रेमी संत समाज आज वही सुंदर राम जी ला केवट जी जानत है बे। और जैन परमात्मा ला जानते ना, ओकर जीवन में कोई भी प्रकार के डर नहीं रहा है। तो ऐसे का की सही जेकर से भगवान हंसी से बे, तो एक भजन के बाद में बताए के प्रयास करबो। काबर कथे ना कि जिंदगी एक अभिलाषा है क्या गजब इसकी परिभाषा है, जिंदगी एक अभिलाषा है क्या गजब इसकी परिभाषा है, संवर गई तो दुल्हन बिखर गई तो तमाशा है, बिखर गई तो तमाशा है। आओ एक भजन के बाद में बताए के प्रयास करो। बोल सेवा रामचंद्र की जय। वृथा गवाई जन बिना कारी तोरी हीरा जैसे काया, तोरी हीरा जैसे काया भै जन गैर संगी चर दिनिया हावेरी माटी की काया तो
काबर आज गंगा के तीर में आ है बे और गंगा से पार होना है बे और आज जो परम पिता परमेश्वर आज गंगा ले पार होए बर एक भक्त की निहोर करी सी कथे कि मांगी नाव न केवट आना कही तुम्हार मरम में जाना चरण कमल रच कहू सब कही मानुष करनी भूरी कछु अही आज निषाद राज केवट की तोर मरम ल जानत हो की से बे अब एक भक्त है वो भगवान कहते कि तोर मर्म ला जान चुकी हो गई के तो मानस प्रेमी संत समाज जैन परमात्मा ला बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जानी ओला आज केवट जान जानी सी कथे नहीं कि जग फेकंत देख निहारा विधि हरि संपूर्ण चावन हारा ताहू न जाने मर्म तुम्हारा जेकर मर्म ला ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जाने हैं ओला आज केवट भैया जाने हैं त कैसन मरम ल जाने हैं कथे कि प्रभु तोर माया ल जानथो काबर एक समय एक पत्थर के ऊपर जब तोर पैर पड़ी तोर धूल चरण की धूल पड़ी तो पत्थर हनारी बन गई और मैं तो एक साधारण से केवट हरो नाव चलाने वाला हरो जेन हा एक पत्नी के ला पाल नहीं सको तो अगर वो नाव हो तो यहाँ तो काट के है बे पत्थर जब नारी बन गए तो कठुआ के नाव भी नारी बन जही तो मोर घर में दो पत्नी लगे से चला हूँ ऐसे ही परमात्मा ला कहा थे बे और मानस प्रेमी सुन समाज आज की इस परमात्मा ला कि मैं अगर चरण ल धोए ल देबे न ते हा तो ला नाव से पार करा दूं और कौन से अटपटा वचन थी कि मैं हाँ राजा दशरथ के शपथ खात हूँ किसे बे ए अटपटा वचन है काबर जैसे तुहर गांव में आहन तो हमला कुछ लेना रही आप सब से तो हम अपन माँ बाप की कसम खाबो एनी कहान की तोर माँ की कसम भैया मोल एला दे दे के लिए लेकिन यहाँ केवट जी महाराज है वो कथे कि राजा दशरथ की कसम खा थकी तो काबर की इस बे काबर राजा दशरथ की तरह केवट भैया भी सच्चा है जैसे वचन के पालन राजा दशरथ करिसना कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई आज भी केवट भैया कहा थे तो जब ऐसे शब्द सुने तो लक्ष्मण भैया है वहा तीर निकाल थे काबर आज जैन परमात्मा तोर घर आए ओला तेहा आज आज ओकरे पिता के हमरे पिता के तेहा शपथ दे थस के लेकिन आज केवट भैया है वो मौत से भी ओला डर नहीं है काबर डर नहीं है काबर ओला पता है कि मारने वाला कौन हरे राम जी के भैया हरे और जब काकरो मृत्यु होते तो वहाँ कथे की मारने वाला भी पूछते और जगह भी पूछते और काकर समक्ष मारे गए ना वो पूछते तो यहाँ मारने वाला लक्ष्मण भैया तैयार है और गवाह के रूप में भगवान राम जी है और जगह गंगा के तीर है बे तो मानस प्रेमी संत समाज ये सब है तो ला मौत से कोई भी डर नहीं है तो यहाँ यही केवट भैया है जेकर
कर वचन अटपटा है वे। और देखा जाए तो आज कलयुग में भी वचन अर्थात शब्द की तो हेर फेर है वे। आज वचन अर्थात शब्द की ही फेर फेर है वे। कलयुग में घर हो या समाज हो, कहीं भी विवाद पैदा होते ना, इस शब्द की वजह से ही होते। तभी तो कहे हैं शब्द संभाल के बोलिए, अजी शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, एक शब्द करे घाव। मानस मिशन समाज काबर रामचरित मानस कहानी कोकड़ी नो हरिदाई काबर ये रामचरित मानस ना एक भटके हुए जीवला सही राह दिखाए की कथा रे। एक भटके हुए आत्मा ला परमात्मा से मिलाए की कथा है। तभी तो कथे कि रामचरित मानस कहानी नहीं है, इतिहास है। अजी रामचरित मानस कहानी नहीं है, इतिहास है। युग को बदलने का एक नया प्रयास है, एक नया प्रयास है। जब भी मन में सेवा भाव जगे, जब भी मन में सेवा भाव जगे, तो ये समझना कि मेरे प्रभु राम तो मेरे ही आसपास हैं, मेरे ही आसपास हैं। मानस प्रेमी संत समाज भगवान जब भी हमारे अंदर समाज की सेवा या फिर अच्छा कर्म करे के होते ना, तो भगवान हमारे ही आसपास रहते। आज हम 22 तारीख के राम जी की स्थापना मनाथन, प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं। तो आप सबसे प्रश्न है, राम जी ला कहाँ बैठाना है? अयोध्या में बैठाना है या फिर गांव में बैठाना है या फिर हृदय में बैठाना है? मानस प्रेमी संत समाज काबर राम जी लेना हृदय में बैठाना है। अपन हृदय में जे बैठा लिस और अपन हृदय के परिवर्तन कर लिस ना, तो राम राज्य आत कोई देरी नहीं है। लेकिन आज हम अपन बुराई नहीं देखन, सिर्फ दूसरा की बुराई देखन, तो कहां ले राम राज्य आई, कहां ले राम पैदा हुई हमर घर में? तभी तो कहे ना, देख रहे हैं उधर उधर, देख रहे हैं उधर इधर उधर, अपने अंदर देखे कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन, सबके अंदर दर्द छुपा है। अजी सबके अंदर दर्द छुपा है, अब उसको ललकारे कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते हैं, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते हैं, खुद को आज सुधारे कौन, खुद को आज सुधारे कौन? आज अपन आप ला सुधारना है। और जहाँ अपन आप सुधर गए ना, तो राम राज्य आज ही आज केवट भैया है, ओला कोई भी प्रकार के साध नहीं है, सिर्फ परमात्मा के साध है। और मानव जीवन में तो हर मानव ला यही साध रहना चाहिए, ईश्वर से मिले के, ईश्वर ला प्राप्ति करे के साध रखना चाहिए। काबर यहाँ दो सुख बता है भैया हो, एक आंतरिक सुख होते और एक बाह्य सुख होते। आंतरिक सुख का हरे जिमें आत्मा ला तृप्ति मिले, और बाह्य सुख का हरे यही रात और दिन के बराबर होते। बाह्य सुख कभी धन है तो कभी धन नहीं है, कभी शरीर अच्छा है तो कभी नहीं है, ये बाह्य सुख हरे। ये सुख थोड़ा समय के लिए होते, और जिन आंतरिक सुख से जुड़ जाते ना, ओकर जीवन ही श्रेष्ठ है वे। और यहाँ केवट भैया है बोला आंतरिक सुख मिल गए, वो जान चुके है कि यही परम पिता परमेश्वर हरे जेकर नहीं हो रहा मैं करत रहे हूं। तीन कल्प बीत गेरी से वही परमात्मा हरे, तो एकर चरण धोए बिना कैसे जान दे कही कि आज नहीं हो रहा करत है। काबर चरण धोए के सौभाग्य माता सबरी ला मिली सी, और केवट भैया ला मिली सी, और जनक जी महाराज ला मिले हे रामचरितमानस में। और कहे जाते कि आज जब चरण ला धोए के सौभाग्य है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि कृपा सुंधि बोले मुस्काई सोई कर जही जो ही तही नाव न जाई। अर्थात आज परमात्मा है वह केवट भैया कि भैया जो करना है ते कर कैसे, तो ऐसे काबर की से भी। और लक्ष्मण जी जानकी की तरफ देख के मुस्कुरा भी दी, तो काबर मुस्कुरे? तो मानस प्रेमी संत समाज एकर पैर के पैर लेना लक्ष्मण जी बचपन से चाहे है। लक्ष्मण जी जब छोटे रहे ना, तो बहुत रोए। जब परमात्मा की जब अंगूठा नहीं मिले ना, तो रोए तो दुनिया भर के फूका झारा करे, लेकिन लक्ष्मण जी के रोना बंद नहीं हुए। और जैसे ही परमात्मा सोए रहते ना, सोए तो कर उल्टा सोआ दे और कर अंगूठा मिल जाए ना, तो कर नींद आ जाए। और जब जानकी जी की शादी हुई तो काबर जानकी जी की विवाह हुई तो कर चरण बढ़ जाते और जानकी जी सेवा करने लगते, लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी ने चरण की सेवा नहीं मिलता है,
तो खाना पीना छोड़ देते और बस टहलत रहते। राम जी देखते भैया कैसे नहीं सोचते हैं, तो ले नींद का बन नहीं आती के, तो कहते कि बचपन से तो चरण की सेवा में करत रहे हो वो, लेकिन आज चरण सेवा नहीं मिला थे बे, चरण सेवा नहीं मिला थे ओकर वजह से मैं दुखी हूँ कहते। तो वही राम जी है वो लक्ष्मण लगत है, काबर हमर होली त्योहार आते बे, और होली त्योहार में हर बड़े छोटे ला कुछ न कुछ देते। तो भाई ते जगत जननी माता सीता के ऊपर गुलाल लगाबे और एक चरण ला मांग लेबे कहिस। और मानस प्रेमी संत समाज, यहाँ लक्ष्मण भैया वही दिन होली के दिन में अपन भाभी से एक चरण की सेवा मांगते, तो हर रोज एक चरण सीता दबाए और एक चरण की सेवा भैया लक्ष्मण करे। लेकिन आज दोनों चरण ला कौन मांगा थे बे, आज केवट भैया मांगा थे बे, भक्त के आगे भगवान विवश बे, ओकरे वजह से भगवान ने वो हंस पड़ी जगत जननी माता सीता की ओर देख के कि हे देवी ये तो वनवास की शुरुआत करे, और वनवास की शुरुआत में ऐसे अटपटा भक्त मिले हैं, तो सोच आगे चल के कैसे कैसे भक्त मिले कैसे बे। और वास्तव में मानस प्रेमी संत समाज कहते ना कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जीवन के हर कठिन प्रश्न का उत्तर जीवन से ही हल मिलता है, जीवन से ही हल मिलता है। तो आओ एक भजन करन, फिर आगे कथा प्रसंग बताए के प्रयास कर। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मोर घरी रामा कभी आ बिना, मोर गाँव की रस्ता कभी पा बिना, Thank you.
रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संसमान एक भक्त के प्रेम में भगवान ने ओहस पड़ी तो यहाँ जगत जननी माता सीता भी कथी धन्य है केवल धन्य है तोर जीवन काबर आज परमात्मा लते हंसा दे क्योंकि जगत जननी माता सीता भी बोल पड़ी से बेबे और वास्तव में देखन प्रेम प्रेम ऐसी चीजें जे एक दूसरा ल जोड़ के रखे समाज में देखन गांव में देखन या घर में देखन प्रेम की वजह से ही घर चलते समाज चलते और मानस प्रेमी संसमाज प्रेम ऐसी चीजें जेना हमेशा बलिदान देते और प्रेम के बारे में कहते ना कि प्रेम परिचय को भी पहचान बना देती है प्रेम परिचय को भी पहचान बना देती है प्रेम शैतान को भी इंसान बना देती है मंदिर में देखो तो वही मूरत पत्थर का है पर प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देती है प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देती है मानस प्रेमी समाज लेकिन आज युवा पीढ़ी है वो प्रेम के गलत ही अर्थ निकालते हैं काबर आज हर माँ बाप है वो अपन बच्चा बाहर पढ़े पर भेजते काबर हर माँ बाप अपन लड़का के उन्नति चाहते और पढ़ाई करे पर बाहर भेजते लेकिन वो लड़का आज मोबाइल के जमाना है मानस प्रेमी समाज मोबाइल ऐसी चीज है जेकर हम अच्छा उपयोग करना तो अच्छा अच्छा बात भी बताते और अगर गलत उपयोग कर बे तो ये मोबाइल गर्त में भी ले जाते तभी तो मोबाइल के बारे में कहे हैं अच्छी दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत है दो दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत है और मेरे प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत है मौन की जरूरत है फोन से तो बात करने के लिए बिल देना पड़ता है फोन से बात करने के लिए बिल देना पड़ता है और मेरे प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है दिल देना पड़ता है माया को चाहने वाले बिखर जाते हैं माया को चाहने वाले बिखर जाते हैं और मेरे प्रभु को चाहने वाले निखर जाते हैं निखर जाते हैं मानस प्रेमी समाज ऐसी युवा पीढ़ी मन से कहना चाहूँ कि प्रेम प्रेम वो प्रेम सफल होते जेन में माँ बाप के आशीर्वाद रहते समाज के आशीर्वाद रहते वो प्रेम प्रेम नो हरे एक भावना हरे जेन प्रेम में हम माँ बाप ला दुखी करके प्रेम करें ना वो प्रेम कभी भी सफल नहीं होए काबर इस संसार में पूरा माँ बाप ही है जे अपन बच्चा ला निस्वार्थ से प्रेम करते वो कभी भी अपन प्रेम के मतलब कुछ भी नहीं मांगे तभी तो कहे है कि फूल कभी दोबारा नहीं खिलता फूल कभी दोबारा नहीं खिलता और जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता मिलते हजार रिश्ते पर माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलता माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलता अगर किस्मत साथ दे तो किस्मत साथ दे तो लक्ष्मी भी लासी बन जाती है अरे माँ बाप के चरणों में तो मथुरा और काशी है माँ बाप के चरणों में ही तो मथुरा और काशी है मानस प्रेमी समाज आज रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है वो प्रेम की परिभाषा ही बताई से कि प्रेम से ही भगवान ल पाए जा सकते और प्रेम ऐसी चीज है जेकर से भगवान है वो भक्त के पास में चले आते की से तभी तो रामचरित्र के मानस के अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय दाम तिमी रघुनंदन प्रिय लाघु मोहि राम जैसे एक कामी व्यक्ति है वो काम ला चाहता है और लोभी व्यक्ति है वो धन के पीछे चाहता है उसने निरंतर हे प्रभु हे परमात्मा मोला प्रेम कर बे की से बे तो आज वही प्रेम में पड़ के परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी है वो केवट के नहीं हो रहा करत है बे मानस प्रेमी समाज जैन परमात्मा के नक्श से निकले है गंगा मैया ओला अगर यहाँ आदेश देती तो गंगा मैया सहज ही ओला रास्ता दे देती लेकिन भक्त के मान पर आज भगवान है ओहा गंगा मैया आदेश नहीं दे थे बे आज केवट भैया ला कहा थे बे कि जो अच्छा लगे कर जो तोल अच्छा लगे कर लेकिन जल्दी कर किसे बे काबर वनवास के समय है और मानस प्रेमी समाज भैया यहाँ राम जी ला जल्दी गंगा पार होना है तो रामचरित मानस में यहाँ कहे जाते कि राम जी ला तो वनवास हो लेकिन मानस प्रेमी समाज सोच के देखा ना तो राम ला एक बार वनवास हो बे लेकिन जगत जननी माता सीता लना तीन बार वनवास हुए बे कौन कौन जानता तीन बार वनवास हुए थे सोच के देखन
जब 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 प्रथम बार राम जी निकली ना तो जगत जननी माता सीता है वो राम और लक्ष्मण के साथ में निकली, वहाँ भी वनवास निकली। और सुमंत जी महाराज जब वापस चलती ना तो वहाँ जगत जननी माता सीता कहते कि मैं वापस नहीं जाऊँ, काबर नहीं जाऊँ, मोर संग में मोर पति है और मोर साथ में भैया है लक्ष्मण भैया, तो काबर वापस जाऊँ, मोर रक्षा करने वाले है कहीं से भी। ये प्रथम वनवास है। दूसरा वनवास दाई हो कब हो इसे भी, जब दूसरा वनवास कुटिया में रही ना तो वहाँ लंकापति रावण हर के लेंगे। अब सोच के देखन एक स्त्री ला ऐसे जगह ले के रखी अशोक वाटिका में जिहा कोई भी पहचान नहीं है, तो ये दूसरा वनवास हो नहीं। और तीसरा वनवास कब हो इसे भी, जब जब वही जगत जननी माता सीता राम के साथ में आते ना तो एक गर्भ अवस्था में वाला वनवास होते, जहाँ एक गर्भ स्त्री ला जगत जननी माता सीता ला एक 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 धोबी के कारण घर से बाहर करे जाते हैं। तो मानस प्रेमी समाज रामचरित्र मानस में देखना ना, तो हर जगह त्याग ही त्याग करे बे जगत जननी माता सीता। तो जगत जननी माता सीता वही वजह से केवट भैया ला देख के प्रसन्न होते कि धन्य हस केवट, आज भगवान ला हसाए की से बे। और केवट भैया है ओहा सुंदर कथे की जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा सोई कृपालु करहटी निहोरा, अर्थात जेकर नाम में इतना शक्ति है जेकर नाम ले से पूरा जीवन जीवन है हा पार हो जाते मानव जीवन श्रेष्ठ हो जाते ओला आज केवट भैया की निहोरा करेला पड़ा थे किसी से भी। तो मानस प्रेमी संत समाज नाम के महिमा काबर गई से भी काबर एक संत कथे कि राम नाम महामंत्र है, राम नाम महामंत्र है एमे शक्ति अनंत है, यही नाम लले के झूमे नाचे साधु संत है, अरे यही नाम ला शंकर जी लेवत है और काशी में मरिया ला मुक्ति देवत है, काशी में मरिया ला मुक्ति देवत है, ये नाम के महिमा हरे। काबर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते ना कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर निकले ही पारा। और यहाँ देखा तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस की रचना कर रहे थे, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा नर राम आधारा भी कह सकते थे लेकिन नाम आधारा कहीं काबर कहीं से काबर कलयुग सनातन धर्म है और सनातन धर्म के में 33 कोटि देवी देवता है। तो यहाँ अपन अपन धर्म के कोई दुर्गा लमान ही कोई लकालीला तो कोई शंकर लमान ही, लेकिन जेला मान ही ओ में विश्वास करके मान ही तब ओकर जीवन उद्धार है बे। और मानस प्रेमी संत समाज विश्वास में ही परमात्मा रथे, स्वयं परमात्मा कथे कि मो को कहां ढूंढे रे बंदे, मो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, ना काबा में हूं ना कैलाश में हूं, खोजे हुए तुरंत मिल जाऊं, बस एक पल की विश्वास में हूं, एक पल की विश्वास में हूं, जहां विश्वास है ना वहीं परमात्मा निवास करते। तो मानस प्रेमी संत समाज आज समस्त देवी देवता यही सोचे थे कि धन्य है केवट, काबर जिकर नाम में इतना शक्ति के वो नाम ना लिखे से पत्थर तैर जाते, और आज वही राम जी तोर पास आ है बे। और मानस प्रेमी संत समाज जी ज्ञानी जन है वो तो नाम ला छोड़े ही नहीं, राजा दशरथ है वो तो परमात्मा के नाम ला लेते लेते अपन प्राण त्याग दी। राजा दशरथ कि जब अंतिम समय है इसना तो राम नाम ला लेते लेते अपन प्राण त्यागी, तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखी कि राम राम कही राम पुकारी, राम राम कही राम नर भूप गए सुरधाम। मानस प्रेमी संत समाज जेन है नाम के सहारा ले लिस ना ओकरे जीवन धन्य है, काबर ए मोह के नगरी है और मोह के नगरी में कोई साथ देने वाले नहीं है, साथ दी तो सिर्फ परमात्मा के नाम साथ दी, अंत समय में परमात्मा ही काम दी। ये तो माया नगरी हरे यह जितना हमार घर परिवार कथन ना वो कभी साथ देने वाले नहीं है, तभी तो कहे ना कि इज्जत को करने वाले भी इज्जत उछालते फिरते हैं, अजी इज्जत को करने वाले भी इज्जत उछालते फिरते हैं, सर को झुकाने वाले भी सर को काटते फिरते हैं, सर को काटते फिरते हैं, भाई बंधु कुटुम्ब कबीला झूठे जग के नाते हैं, भाई
हिंदू कुटुंब कर मिला झूठे जग के नाते हैं, दुनियादारी दिखलाने को बस मरघट तक आते हैं, बस मरघट तक आते हैं। रिश्तेदार नमस्ते कह के पिंड अपना छोड़ाते हैं, रिश्तेदार नमस्ते कह के पिंड अपना छोड़ाते हैं। कहते हैं भैया नाता दूर का, कहते हैं भैया नाता दूर का, पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते हैं। माया नगरी है, एक स्त्री भगवान से जुड़े बर के हेबे, और भैया जी से निवेदन चाहबो कि पीला बत्ती चला है, काबर रात बहुत ज्यादा हो है, और यही कहना चाहबो कि यही कहना चाहबो और भजन करना चाहबो कि वास्तव में ये जीवन बहुत ही बहुमूल्य है बे, और कथे ये जीवन नहीं मिले है तो भगवान के भजन करे के प्रयास करन, तभी तो कथे कि खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, खुशी एक एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है, और गम एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के पास है, हर किसी के पास है, पर जिंदगी तो वही जीता है संतों जिसे खुद पर विश्वास है, खुद पर विश्वास। बोल सेवा रामचंद्र की जय। Oh, oh, oh.
जय। भगवान श्री हनुमान की जय। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय।